बिग बॉस के घर से बाहर आते ही ऐश्वर्या शर्मा ने अंकिता के साथ रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी। क्या है अंकिता के साथ आपसी मतभेद, क्या है अंकिता और ऐश्वर्या शर्मा की लड़ाई का सच, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। बिग बॉस की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा अब घर से बाहर आ चुकी है, और घर से बाहर आए ऐश्वर्या और आरोप ना लगाए ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या तो जब घर में भी अंकिता को लेकर जेलस फील करती थी, वो मुनव्वर को लेकर जेलस फील करती थी, ईशा अब उनका नया टारगेट बन गई है। ऐश्वर्या शर्मा ने आते ही अंकिता को लेकर कुछ बड़े खुलासे कर दिए हैं। अपने और अंकिता के रिश्तों को लेकर ऐश्वर्या ने दिया बड़ा बयान। बिग बॉस के घर से ऐश्वर्या ने सबसे पहले तो ये क्लियर किया है कि मेरा अनफेयर इविक्शन हुआ है, नाम किसी और का लेना था, लेकिन ईशा ने जो मुझे टारगेट किया है ये पर्सनल टारगेट है। खुद तो दो मर्दों को लेकर घूम रही हैं और मुझे टारगेट कर रही हैं, मेरा नाम बदनाम कर रही हैं, मेरा गेम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईशा का क्या गेम है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और ये गेम क्या होता है। हम दोनों तो रियल थे, मैं और नील रियल हूँ, इसलिए जनता ने हमें इतना प्यार दिया है। हालाँकि वो बात अलग है कि ऐश्वर्या को ये बात समझ में नहीं आ रही है अब भी कि ऐश्वर्या क्या गलती कर रही थी। अब अंकिता को लेकर ऐश्वर्या ने कहा कि ऐश्वर्या, मैं कभी भी अंकिता से जेलस नहीं थी, अंकिता जो है वो मुझे टारगेट करती है ताकि अंकिता लाइमलाइट में आए, मैं डिज़र्विंग हूँ और डिज़र्विंग रहूँगी। अंकिता हो, ईशा हो, इन सबसे लाख गुना बेहतर है मेरा गेम, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि अंकिता थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू विक्की, लेकिन मैं नील भट्ट के साथ हूँ। नील भट्ट अगर घर में है तो वो सबको धोबी पछाड़ देंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि अंकिता जैसे लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि मेरा रिश्ता जो है वो अंकिता के साथ बहुत ख़ास नहीं है, मैं बिग बॉस के घर में मिली थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन अंकिता का जो व्यवहार है, अंकिता कई बार जो है वो हमेशा ही हिपोक्रेसी दिखाती है। जब अंकिता को ये बातें बोलनी थी मेरे इविक्शन पे, तो उसने चुप्पी साध रखी थी। हालाँकि ऐश्वर्या शर्मा ने इस बात को लेकर अप्रिशिएट किया है कि अंकिता आते वक्त भी इमोशनल हो गई थी ऐश्वर्या शर्मा को देखकर, और अंकिता ने कहा कि जो भी गेम हो बाहर हम दोनों दोस्त रहेंगे और हमेशा मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐश्वर्या शर्मा का ये बर्ताव सिर्फ अंकिता के साथ ही नहीं है। ऐश्वर्या जो अंकिता पर सवाल उठा रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी लड़ाई अंकिता के साथ है, आयशा सिंह के साथ भी कुछ ऐसी ही लड़ाई थी। और बाहर निकलते ही, शो से बाहर जैसे ही दोनों आए, ऐश्वर्या शर्मा ने सबसे पहले आयशा सिंह को अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद आयशा सिंह ने भी अनफॉलो कर दिया था। और अब तक आयशा और ऐश्वर्या का जो लड़ाई है, आयशा और ऐश्वर्या के जो झगड़े हैं वो अब तक जारी हैं। तो अंकिता के साथ इतना जल्दी ऐश्वर्या की लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली है। ऐश्वर्या ने खुद इंटरव्यू में ये बातों का हिंट दे दिया है कि ऐश्वर्या शर्मा और अंकिता का रिवेंज जो है वो चलता रहेगा, लेकिन ये गेम का पार्ट था, तो मेरे लिए गेम फ़िलहाल यहाँ पर एंड हो जाता है। आप बताना कमेंट बॉक्स में ऐश्वर्या शर्मा और अंकिता की लड़ाई पर आपका क्या है ओपिनियन। क्या आप भी मानते हैं ऐश्वर्या ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो सही हैं, या फिर आपको लगता है कि ऐश्वर्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है अंकिता पर, जबकि अंकिता ने कई बार ऐश्वर्या का साथ दिया है, लेकिन बावजूद उसके ऐश्वर्या जो है वो पर्सनल टारगेट अंकिता को कर रही है। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।